बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का मुसलमानों पर बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर बिफर गई जनता। बिहार के नालंदा में शनिवार को बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने शनिवार को मुसलमानों पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में 90% मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान हैं। इस पर रविवार को जेडीयू और आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया आई। जेडीयू प्रवक्ता ने अशोक चौधरी के बयान से सहमति जताई है। अफजल अब्बास ने कहा कि भारत में हिंदू व अन्य धर्म के लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया क्योंकि वहां एकता है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि कुछ लोग मजहबी बातों को भी धार्मिक एंगल निकालकर उसको दूसरी दिशा में विरोध का माध्यम बनाते हैं। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत में ही सभी मजहब के लोग अपने धार्मिक कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मजहबी बातों का भी धार्मिक एंगल निकालकर उसको दूसरी दिशा में विरोध का माध्यम बनाते हैं। जेडीयू प्रवक्ता ने अशोक चौधरी के बयान से सहमति जताई, कहा कि भारत में हिंदू और अन्य धर्म के लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया क्योंकि वहां एकता, आपसी भाईचारा है, इबादत करने व एक साथ खाने पीने में कोई भेदभाव नहीं है। इसी बुनियाद पर इस्लाम फला फूला है। 55 देशों में इस्लाम का परचम लहरा रहा है। जेडीयू द्वारा बिहार शरीफ के गगन दीवान मोहल्ले में भीम चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधायक डॉक्टर जितेंद्र, एमएलसी रीना यादव ने शिरकत की। इस दौरान भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मुसलमानों पर विवादित बयान दिया, कहा कि भारत में 90% मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान है। ये सब दलित हैं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत छुआछूत में फंस गए, तब कुछ लोग मुसलमान और कुछ बुद्धिस्ट बन गए। अशोक चौधरी के इस बयान पर जनता ने भी सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा है। एक शख्स ने ट्वीट किया, ये वो अधिकांश निचली जाति के हिंदू हैं जिनका अपना शोषण किया, बराबरी का दर्जा नहीं दिया, आज भी कर रहे हैं। मंदिर प्रवेश से रोका, शिक्षा से वंचित रखा, मुख्य धारा में शामिल होने से रोका। मुसलमान ईसाइयों ने मस्जिद, चर्च, शिक्षा, बराबरी के द्वार खोल दिए, अब रोते रहो। अकबर डंपी नाम के एक यूजर ने लिखा, कुछ तो बात है इस्लाम में कि जो कन्वर्टेड हुआ वो आज तक मुसलमान ही है, वहीं दूसरी तरफ और लोग डेली मुसलमान बन रहे हैं। इस तरह से भी मंत्री जी को सोचना चाहिए क्यों? शाहरुख खान नाम के एक ट्विटर यूजर ने मंत्री जी के बयान पर लिखा, आज भी लाखों लोग कन्वर्ट होते हैं मुस्लिम धर्म में, सभी का वेलकम है। मंदिर की तरह टिकट नहीं लेना पड़ता हरिजनों को, मंदिर में घुसने नहीं देना, इसलिए आते हैं, सभी का फिर से वेलकम है। असगर अली नाम के एक शख्स ने कहा, आरएसएस और भाजपा की रोजी रोटी मुसलमानों के नाम से ही चलती है, जितना ज्यादा मुस्लिम को बुरा भला कहेंगे उतना ही गोबर छाप दिमाग वाले खुश होते हैं। आप बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के इस बयान को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुँचाते रहें।